गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धार्मिक पुरुषों ने खास करके धार्मिक लिखारी साहित्यकार विद्वान उन्हों का ऐसा कहना है कि मनुखा नू पंज श्रेणियां विच वंडिया जा सकता है, या इंज कह लईए मनुख धार्मिक दृष्टिकोण के मुताबिक पंज तरह के ही होंदे ने। एक किस्म मैं थोड़े सामने रखा और इस विच ये देखांगे आपां कि असी किथे खड़े हैं। इन्ना पंजां विच पहली श्रेणी, दूजी श्रेणी, तीजी श्रेणी, चौथी या पंजवें, प्रथम श्रेणी पहली श्रेणी इसनों वो इस तरह बयान कर देने, कुछ पूर्ण पुरख जो पूर्ण हो गए ते पूर्ण कदों होंदा है मनुख जद पूर्ण नाल जुड़दा है। पूरा प्रभ आराधया पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। जितने चिर तक पूरे दी प्राप्ति नहीं है मनुख दा जन्म अधूरा है, जीवन अधूरा है, मरण भी अधूरा है। मरण इस वास्ते अधूरा है, तन ते खाक हो गया, राख हो गया, मन फिर जन्म लैण वास्ते तैयार हो गया। दूजा चोला जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए। भाई गुरदास जी कहिंदे ने कई जन्मां तों मन वासना वस होके बार बार शरीर धारण करदा रहा, चोला बदलदा रहा। शरीर दे मरण दे नाल वासना नहीं मरदी, शरीर दी मौत हंकार दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत लोभ दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत विकारां दी मौत नहीं। अगर होंदी है तो जप तप दी लोड़ नहीं सी, सत्संग दी लोड़ नहीं सी, मरांगे ते हंकार भी मर जाए, मरांगे ते विकार भी मर जाएंगे, मरांगे ते लोभ भी मर जाएगा, क्रोध भी मर जाएगा। नहीं मरदा शरीर, मरदा है अहंकार नहीं मरदा। शरीर बुढ़ा हो जाता है, वासना बुढ़ी नहीं आती। शरीर बिरद हो जाता है, लोभ बिरद नहीं आता। लोभ सदा जवान लैंदा है, अहंकार सदा जवान रहिंदा है, विकार सदा जवान रहिंदे, वासना सदा जवान रहिंदी। अगर शरीर दी मौत ही वासना दी मौत आउंदी, मैं फिर दोहरावां इस सत्संग दी लोड़ नहीं सी, कथा कीर्तन करन दी ते सुनन दी लोड़ नहीं सी, दान पुन जप तप दी लोड़ नहीं सी। शरीर दी मौत वासना दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत हंकार दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत लोभ दी मौत नहीं है। शरीर बिरद हो गया, लोभ ते जवान है, बुढ़ा आंदा ही नहीं। शरीर ते बिरद हो गया, वासना ते बिरद होंदी नहीं, जवान है। शरीर बिरद हो गया, हंकार ते जवान खड़ा है। तो ये जवान वासना अगला जन्म करा देगी, अगला जन्म करा देगी। शरीर मर भी जाता है, वासना नहीं मरती। शरीर मर जाता है, लोभ नहीं मरता। भाई साहब भाई गुरदास जी धन गुरु नानक देव जी महाराज के उच्चारण किए आसा दीवार दे श्लोक का इंज खुलासा करते ने, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए,
फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मरम को पा। कोई विरला ज्ञानी इस रमज नू समझदा कि शरीर मर जांदा वासना नहीं मरदी, शरीर मर जांदा लोभ नहीं मरदा, शरीर मर जांदा अहंकार नहीं मरदा, तन दी मौत हो जांदी है मन दी नहीं होंदी, वो फिर दूसरा तन धारण कर लैंदा। वासना मर गई है, तन दी मौत नहीं, इनू कहिंदे ने जीवन मुक्त। हंकार पे मर गया है, तन अजे जिंदा है, इनू कहिंदे ने जीवदियां जी मुक्त है, मुक्त। कहत कबीर जो हर ध्यावे जीवत बंधन तोरे, सारे बंधन टुट गए, बंधना दे चे नहीं जी रहा। हंकार दा बंधन आउंदा, लोभ दा बंधन आउंदा, वासना दा बंधन आउंदा, सब तोड़ दिते ने, सब टुट गए। तन दी मौत ते नहीं हुई, हंकार दी मौत हो गई है। शरीर ते नहीं मरिया, वासना मर गई है। शरीर ते नहीं मरिया, लोभ मर गया है। बड़ी साधना कीती होनी है, बड़ा जप तप कीता होना है, अमृत वेले उठ के बड़ी ध्यान साधना कीती होनी है, उंज ते वासना नहीं मरदी, उंज ते लोभ नहीं मरदा, सिर्फ तन मर जांदा है। प्रकृति एक दिन तन नूं बुढ़ा कर देंदी है, मन नूं बिरद नहीं करदी। प्रकृति एक दिन तन नूं खत्म कर देंदी है, मन नूं खत्म नहीं करदी। जमना जीवना मरना प्राकृतिक है, प्रभु नाल मिलना पूर्ण होना प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति तो बाहर आना है। तो हुण मैं फिर दोहरावां, इस चक्कर च ना पैणा, कई इस तरह सोचते रहिंदे जवान बुढ़े होवांगे अमृत छक लवांगे, बुढ़े होंदे होंदे तक वासना होर जवान हो गई। रोज रोज वासना जवान आउंदी है, बुढ़ी नहीं आउंदी, रोज रोज तन बुढ़ा होंदा है। रोज रोज लोग जवान हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं, रोज रोज तन कमजोर हो रहा है, निर्बल हो रहा है। रोज रोज हंकार ताकतवर हो रहा है, रोज रोज तन कमजोर हो रहा है। तन दी मौत वासना दी मौत नहीं है, तन दी मौत हंकार दी मौत नहीं है, तन दी मौत लोभ दी मौत नहीं है। बच्चे दा तन छोटा है, उम्र छोटी है, वासना छोटी है, लोभ छोटा है, हंकार छोटा है, जवान है, हंकार जवान हो गए, लोभ जवान हो गए, वासना बड़ी प्रबल जवान हो गई है, तन बुढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया है, लोभ अहंकार वासना पहले नालों भी ज्यादा ताकतवर हो गई, शक्तिशाली हो गई, क्योंकि रोज रोज वासना शक्तिशाली होती है, रोज रोज हंकार दी ताकत वधदी है, रोज रोज लोभ दी ताकत वधदी है। इस वास्ते एक बुढ़ा मनुख जितना लोभी होंदा जवान नहीं होंदा, एक जवान मनुख जितना लोभी होंदा बच्चा तो उतना होंदा ही। ये भी मैं रोज रोज उम्र दे वधदियां लोभ बलवान होंदा, अहंकार बलवान होंदा, वासना बलवान होंदी है। आम लोगों का ख्याल है, सिर्फ आम लोगों का, धर्म का नहीं, महापुरुषों का नहीं, भाई बुढ़ा मनुख हो गया तो लोभ भी बुढ़ा हो गया होगा या मर गया होगा, वासना भी बिरद हो गई होगी या मर गई होगी, हंकार भी बुढ़ा हो गया होगा या मर गया होगा। भुलेख है, एवं भुलेख है, फिजूल भुलेख है। एक जवान के अंदर भी हंकार इतना बलवान नहीं होता जितना बुढ़े च होता है। आप सुन के हैरान होवोगे, सारी दुनिया के जड़े राजनैतिक लोग ने ना 97% बुढ़े ने, जो हुक्मरानी कर रहे ने, सारी दुनिया नू चला रहे ने, बिरद ने। कई तो ऐसे ने, चार बंदे
उन्हां नूं पकड़ के कुर्सी ते बिठांदे ने, चार लांदे ने, विचारे आप बैठ भी नहीं सकदे, हथ कंबदे ने, पैर कंबदे ने, सिर कंबदा है। लेकिन हुक्मरानी दी पकड़ बड़ी प्रबल, हुक्म करन दी चाहत बड़ी प्रबल, हंकार बड़ा प्रबल। समाजक चौधरी, राजनैतिक चौधरी 97% बुढ़े होंदे ने। शरीर दे वधदिआं, उम्र दे वधदिआं हंकार वध गया, लोभ वध गया, वासना वध गई है। इस वास्ते शरीर दी मौत कोई वासना दी मौत नहीं है, लोभ दी मौत नहीं है, हंकार दी मौत नहीं। मन दी ए वासना फिर अगला जन्म करा दें। अवतार जिन्हां नूं असी कहिंदे आं, इह वासना वस होके नहीं आउंदे, इह हंकार वस होके नहीं आउंदे, इह परोपकार वस होके आउंदे। जन्म मरण दोहों में नाही, जन परोपकारी आए। इस वास्ते अवतारा नाल असी जो है ये लफ्ज जोड़दे हां। प्रकाश उत्सव जन्म दिन नहीं, जमदे ने इंसान प्रकाशित होंदे ने परम पुरख गुरु पीर पैगंबर। क्यों? वो वासना करके आए ही नहीं, फिर क्यों आ गए? मुक्त हो गए सन, क्यों आ गए? आन दा कारण परोपकार, जन परोपकारी आए। जगत नूं जलदा होया वेख रहन, दुखत वेख रहन, तरस का तरस आ गया। इन्ना जगत जल रहा अहंकार दे च, तृष्णा दे च, वासना दे च, लोभ दे च, तरस वस आ गया। परोपकार दी खातर आ गए ने। कुछ असी जाने है, जनाई है, कुछ साडे कोल है, वंडिए। रविंद्र नाथ टैगोर कहिंदे ने, अवतारा ने जो वंडना चाहिया संसार ने लिया नहीं, ते आम संसारक मनुख जो छुपाना चाहते ने उस संसार ने खाने की कोशिश की है। धन ते हर एक दा दूजा खोना चाहता है, धर्म परम पुरख वंडन भी आउंदे ने, कोई लेना नहीं चाहता, नहीं लेना चाहता, मुफ्त च वंड देना। कबीर ते कहिंदे ने मुफ्त की लुट पई है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, जिन्ना लुटना ही लुट ले। किसे दा धन लुटिए लुटेरे कहलावांगे, किसे दा धन लुटिए पकड़े जावांगे, जेल भोगांगे, सजा मिलेगी। पर परमात्मा दा खजाना, उदे नाम दा खजाना लुटिए, परमात्मा दे दरबार विच ही वड्डे तो वड्डा सिंघासन मिलेगा, सन्मान मिलेगा। राम नाम की लूट है, जितना लुटना ही लुट ले, कोई रोकेगा नहीं। खजाना खुला पे है, सरेआम पे है, लुटेरे कोई नहीं, लुटन वाले कोई नहीं। जिहड़े लुट लैंदे ने उहनां नूं ही संत कहिंदे ने, भगत कहिंदे ने, उहनां नूं महापुरुष आखिया जांदा। खूब लुटिया उहनां ने, रज के लुटिया। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताओगे जब प्राण जाएंगे छोड़। ये पहली श्रेणी अवतारी पुरुष परोपकार की खातर आ गए ने, वासना करके नहीं आए। हंकार इन्हां नूं फिर जन्म नहीं दे रहा। हौ में एहा जात है, हौ में कर्म कमाए, हौ में एही बंधना फिर जो नहीं पाए। ये बार बार जन्मे ने हंकार करके नहीं, लोभ करके नहीं, वासना करके नहीं। जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्दा आवे जाए, फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए, मरम को पाए। ये वासना करके नहीं आए, ये हंकार करके नहीं आए।
ये लोभ करके नहीं आए, परोपकार करके आ गए। जन्म मरण दोहों में नाही, जन परोपकारी आए। मैं अर्ज करा, मन का एक बहुत छोटा जिहा भाग कीर्तन सुनदा है, कथा सुनदा है, पाठ सुनदा है, मन दे नौ हिस्से नहीं सुनदा, नहीं सुनदा। चलो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक बोल सुन लो तो फिर गल स्पष्ट हो जाएगी। बिरथा कहो कवन स्यों मन के, मैं मन की हालत किनू दसा, किसनों दसू। बिरथा कहो कवन स्यों मन की, लोभ ग्रस्यो दस हो दिस धावत, आसा लाग्यो धन की हर वक्त धन दी आस। चाहे करोड़ा हो गए चाहे अरबा हो गए ने, आसा धन दी है धर्म दी नहीं है, आसा पदार्थां दी है परमात्मा दी नहीं है, आसा ये चलती है। लोभ ग्रस्यो दस हो दिस धावत, आसा लाग्यो धन की, सुख के हेत बहुत दुख पावत। सोचदा सी बहुता धन मिलेगा बहुता सुख मिलेगा, जितना धन मिले उतना ही दुख मिले। चलो मैनू कहण देना ते माफी मैं पहले मंग लवा, कोई मनुख कितना दुखी है वेख लेना कितना धनवान है, बस जिन्ना धनवान है उतना ही दुखी है। बड़े बड़े जो दीसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। इस तरह के बंदे किधरे गुरुद्वारे भी आ जान, किथे प्रभु का चिंतन करते ने, अपनी चिंतावां च ही डुबे होंगे, उन्होंने मत्था ही दसदा है, अपनिया चिंतावां च ही गर्क होंगे। बिरथा कहो कवन स्यों मन के, लोभ ग्रस्यो दस हो दिस धावत, आसा लाग्यो धन की, सुख के हेत बहुत दुख पावत। सेव करत जन जन की, द्वारे द्वार स्वान ज्यों डोलत, नै सुध राम भजन की, मानस जन्म अकारत खोत। एना कीमती जन मानस जन्म अकारत खोवत, लाज न लोक हसन की, नानक हर जस क्यों नहीं गावत, कुमत बिना से तन की, हरिदा जस गाते हरी हो जा। परमात्मा दे गुण गाते परमात्मा हो जा, क्यों नहीं करता, निकल जाए ना चिंतावां तो, इस बोझ तो, इस दुख तो, इस संताप तो। इस तरह की विद्या ज्ञान शिक्षा देन वास्ते ए परोपकार वास्ते अवतारी पुरुष आ जाते हैं, वरना इन्हां नूं आण दी लोड़ नहीं ते मुक्त होंदे ने। मुक्त पुरुष किधरे भी जा सकते हैं। रविदास कहिंदे ने, ज्यों ज्यों सैर करे त्यों भावे, महरम महल न को अटकावे। कोई अटक नहीं, कोई रोक नहीं। एक ते जीवन मुक्त, जो मुक्त हो चुके ने, कोई रोक नहीं, किसे मंडल च जा सकते ने, किते भी जा सकते, भ्रमण कर सकते। एक उन्होंने भी कोई रुकावट नहीं आती जिन्हां कोले तन ते नहीं आता। तन के अंदर जिहड़ा सूक्ष्म शरीर है जिहनू इनरल बॉडी करके कहिंदे ने, संस्कारां दा मुजस्मा जिस विच मन है वह होंदा, तन नहीं आता। एक तरीके की हवा आती है। यह तुसी कथा सुनदे पए हो, ये पेट दे च जाएगी, खून दे च जाएगी, मांस दे च जाएगी, हड्डियां च जाएगी, कतई नहीं सूक्ष्म शरीर दे जाएगी। अगर सुन रहे हो कीर्तन तुसी सुनदे हो, दे नाल कोई पेट भर जाएगा, अगर पेट भर जाएगा तो फिर लंगर कानू चलाया, किस वास्ते चलाया। कीर्तन नाल नहीं पेट भरदा, पेट पाठ नाल पेट नहीं भरदा, कथा नाल पेट नहीं भरदा, जप तप नाल पेट नहीं भरदा, लंगर चलाना पैंदा, पंगत बनाई सतगुरु ने। ये कथा कीर्तन जप तप मन दी खुराक है, तन दी नहीं है। पर मन खांदा नहीं, इस वास्ते सतगुरु कहिंदे जे को खावे
जे को भुनचे तिसका होयो उदार, कोई खावे ते सही है, नहीं खाते। मैं फिर अर्ज करा मन का एक छोटा जिहा भाग, किधरे पाठ दे चाहुंदा बाकी नहीं आता। मन का एक छोटा जिहा भाग गुरुवारे आंदा बाकी नहीं आता। इस वास्ते कीर्तन कथा जप तप गुरबाणी मन तक जाती नहीं, मन विच प्रवेश नहीं करती। ते जे हुण भोजन दी बुरकी तन विच गई नहीं ते खून कित्थों बनेगी, मास कित्थों बनेगी। गुरु का शब्द मन विच गया ही नहीं तो मुक्ति कित्थों नसीब होवेगी, बंधन किवें टुटणगे, आनंद किवें मिलेगा। शब्द मन तक नहीं जाता, ना जाण दा एक कारण, भोजन की भुख तन नूं लगदी है, शब्द की भुख मन नूं नहीं है, नहीं है। नाम की भुख मन नूं नहीं है। खुशकिस्मत है वो मनुख जिन्हों नाम की भुख लग जाए। साचे नाम की लागे भूख, उद भूखे खाए चलिए दुख। खैर मिल मका मैना, कुछ शरीर जो सूक्ष्म ने उन्हां दे उत्ते तन दा अस्थूल तन दा बंधन नहीं होंदा। इस अस्थूल तन दी अपनी सीमा है, सूक्ष्म दी सीमा नहीं, किधरे भी जा सकदा है। इस सूक्ष्म शरीर मुक्त आत्मावां कोल होंदे ने, मुक्त सिर्फ सूक्ष्म शरीर ने। परमात्मा दे जी रहे ने, परमात्मा दे विचर रहे ने, किधरे भी जान व्यापक है परमात्मा, किधरे किधरे। फिर इस तन विच आके जन्म ले लेंदे ने, वासना वस होके नहीं परोपकार वस होके। जन्म मरण दोहों में नाही, जन परोपकारी आए। ते मैं ये अर्ज करा सूक्ष्म शरीर मुक्त शरीरों तो इलावा कुछ होर भी आते हैं, देवत्या दे, पूतां ते प्रेतां दे, उन्हां कोल भी यह तन का बंधन नहीं होवे आंदा, जिथे चन जा सकते हैं। ये भी मैं अर्ज कर दिया। ठीक है, सनातनी ऐसा कहते हैं जिथे रामायण की कथा होवे उत्थे हनुमान होंदा है। मैं कुछ ब्राह्मण वीरां नूं कथा वाचकां नूं कहें जे ना आख्या करो, अगर ये कहिंदे हो ते हनुमान मुक्त नहीं होया। अजे भी देवता, चलो देवता है पर भटक रहे, देवते भी भटकते हैं, भूत प्रेत भी भटकते हैं। इंज आखो जिवें हनुमान प्यार करदा सी राम नाल, हनुमान दी तरह कोई प्यारियां रूहां उत्थे होंदियां ने जिथे रामायण की कथा होवे। पहले तो मैं उंज उपरों उपरों कहिंदा सी, पर हुण मैं दावे नाल कहिंदा जिथे सतसंग होवे उत्थे सूक्ष्म रूहां आउंदियां ने, उत्थे गुरमुख रूहां आउंदियां ने जो मुक्त नहीं आउंदियां। जैसे 100 मील की वाट होवे ते कोई 90 मील चले आए ते शरीर का अंत हो गया, शरीर की उम्र इतनी सी, 10 मील की वाट ते रह गई, वह तो तय करनी है, तो उहदे वास्ते फिर जन्म लेना पएगा। ते जिहड़ा इतना चल चुका है वह हर मां दे राही जगत विच नहीं आना चाहता, हर पिता दे राही नहीं आना चाहता, हर मां देवते नूं जन्म नहीं दे सकती। जिहड़ी देवते नूं जन्म दे देंदी है तिन धन जने दी मां आए सफल, क्योंकि देवता पवित्र मन दा मालिक है, उहदे कोल मन है। चलो मैनूं इंज कहण देना, पशु कोल तन है विकसित मन नहीं है, देवते कोल सिर्फ मन है तन नहीं है, मनुख कोल तन भी है मन भी है। आप सारे सियाने बैठे हो, बुनियादी गल नूं पकड़ना। पशु कोल तन है, मनुख नालों बड़ा भारी विकसित तन है, हाथी कोल है, घोड़े कोल है, पर विकासशील मन नहीं है, सिर्फ तन। देवते कोल सिर्फ मन है, मन है, ये तन नहीं है। मनुष्य कोल ये तन भी है मन भी है। मुक्ति मनुख दे राही मिलेगी,
परमात्मा मनुख दे राही मिलेगा, ना भूत प्रेत नू ना देवते नू। इस वास्ते गुरबाणी कहती इस देही को सिमरे दे, देवते भी कहते ने देही मिले ते मुकत होई है। दस मील की जड़ी वाट रही है पूरी करिए, पर देवते वास्ते कोई देवी मां चाहिए। पहले चुनाव मां का, क्योंकि मां के गर्भ में उसने प्रवेश करना, मां बाप की वासना, इस दी जन्म की वासना, ये तिना का संगम बन के इसका जन्म होगा। जैसे गुलाब का बूटा बंजर जमीन च नहीं पैदा होता, देवते नू जन्म जनी खनी मां नहीं कर सकते। देवते नू जन्म देने वास्ते कोई खास मां, इसनू मिर्जा गालिब एक होर ढंग नाल बयान करता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मैं फिर अर्ज करा, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। ये संगीत हर साज ते नहीं गाया जा सकता। हर मां देवते नू जन्म नहीं दे सकते। इस संबंध च गुरबाणी च बड़ा कुछ है, मैं इस वक्त इस पासे गया तो इसे पासे ही चला जावांगा, मूल गल रह जाएगी। पंडित दया राम जी गुजरात के एक चंगे भगत होए ने, वो कहने प्रेम सोनीर बहे जस गावत नाचत देव चले सब अंगा। ऐ मां ऐसा पुत्र पैदा कर प्रभु दा नाम सुने, अश्कबार हो जाए बिरही हिरदा, रब वासे तड़प उठे रो उठे। रोंदे ने लोकी, कोई औलाद भी खातर रो रहा है, कोई कारोबार भी खातर रो रहा है, कोई परिवार भी खातर रो रहा है, कदी कदाई कोई मिलता है रोंदा होया निरंकार की खातर, कदी कदाई। प्रेम सुनीर बहे जस गावत नाचत देव चले सब अंगा। इस तरह का भगत पैदा कर, जे नहीं तो कह खग गैरण में भले बिंस, लहू सो घाव चले अर्धंगा। ऐसा सूर बीर पैदा कर, रणभूमि विच रोम रोम उसका जख्मी होवे, पिठ फिर भी ना दिखावे, अणख उसकी बनी रहे। ते जे ए भी नहीं ते विद दोए भूत जने जननी जन आओ सवे सुत कीट पतंगा, ते फिर कीड़े मकोड़िया नो जन्म देने नाल की होना, धरती का बोझ ही बनाएंगे और की। कहन देना अजोकी औलाद, जद मैं सुनदा पांच दस मुंडिया ने एक मुंडे नू रेल तो गिरा दिता मासूम, पांच दस बच्चियों की इज्जत लुटन की कोशिश की बिहार के नौजवानों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, तो कहना पै गए भूत प्रेत ने कि बंदे ने मनुख ने। इन्ने गंदियां आत्मावां किसी गंदी मां दे राही आईयां ने, यह भी मैं जिक्रा। एवें नहीं एशिया दे च बैड़े पुत नूं वेख के मां नूं गाल कढ़ दे, मां नूं गाल कढ़न दे पिछे एक बहुत वड्डी सच्चाई है। ऐसी भैड़ी आत्मा नूं जन्म दिता, तेरी गोद इतनी गंदी, तेरी कुख इतनी मैली। खैर मुक्त सरस का गुरु रामदास जी का भी शब्द सामने है, जिदे आसरे ते मैं कह सकदा कि मैं गलत नहीं कह रहा। जिन हर हिरदे नाम ना वसयो, तिन मात कीजे हर बांजा तिन सुन्ये ही दे, फिरे बिन नावे ओ खप खप मोए करांजा। अवतारां नूं जो जन्म देंदी है, अवतार करोड़ां च कोई एक आउंदा है, अवतारां नूं जन्म देण वाली मां भी कोई करोड़ां च एक आउंदी है। तिन जन जने दी मां आए सफल से,
इतनी बड़ी लंबी मुद्दत तक मनुखता किसे परम पुरुख नु उड़ीक लिए। खैर ये स्वतंत्र होंगे ने मुक्त रूहा, चूंकि धर्म दा मूल पे दया है, संतुष्टि है। इन्हां आत्मावां कोले सूक्ष्म शरीर संतुष्टि है, दया है। एक दफा मैं फिर दोहरा दें ताकि मजबून पकड़ दे चाह जाए। पशु कोल तन है, विकसित मन नहीं है। देवते कोल बड़ा विकासशील मन ते है, तन नहीं है। इंज कह ले उदे कोल असवार ते बड़ा सियाणा है, फुरतीला है, पर उदे कोल घोड़ा ही कोई नहीं, वाहन ही नहीं है। इंज कह ले केवल मनुख है, इदे कोल तन भी है, इदे कोल मन भी है। इस तन दी बड़ी महिमा, बड़े भाग मानुक तन पावा, बही परापत मानुक दे होरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। इस देही दे राही ऐ मन तू गोविंद तक पहुंच सकता है। ये देही इतनी महान है, इस देही को सिमरे देव, देवते तरस देने। देवते सूक्ष्म शरीर है, किसी भी तकनी महान होवे, देखनी महान होवे, जिन्हों कहने दिव दृष्टि, दिव दृष्टि, देवतियां नू देखण दी दृष्टि, मनुखा ने देखण दी दृष्टि है, किसी को नहीं आती विचारे को, जिन्हों असी नेत्रहीण अंधा कह देने, कोई गल दृष्टि साढ़े को है मनुखा नू वेखण दी। पर जिहदे को देवते नू देखण दी दृष्टि आती है उन्हों कहने ने इहदे को दिव दृष्टि है, देवतियां नू देखण दी दृष्टि है। जद कहा जांदा है जिथे रामायण दी कथा होए उथे हनुमान बैठा होंदा है, ये ते अतकथनी है। हनुमान जैसे प्यारे भगत जो मुक्त नहीं हो सके होंगे, हनुमान ते मुक्त हो गया, ते जे नहीं मुक्त हो गया ते इन्हू इतना वड्डा संत ते उन्हू पूजन दी भी फिर की लोड़ है। नहीं है, वो एक मुक्त आत्मा, उन्हों विचकार लियाण की लोड़ नहीं आती। पर लियांदे ने शायद इस वास्ते लोगों च राम की श्रद्धा वधाई है, पर थोड़ा जिहा सोच विचार करने वाले मनुख के अंदर ते श्रद्धा घटेगी वधेगी नहीं। जैसा प्यार हनुमान के अंदर से, इस तरह के प्यार रखने वाले का किधरे शरीर का अंत हो गया, मन प्रभु तक ना पहुंच सकया, तो ये देवते कहलांदे ने, भटकदे ने। तो देवते सिखां च भी आउंदे ने, मुसलमानां च भी आउंदे ने, हिंदुआं च भी आउंदे ने, पारसी यहूदियां जैनियां बौद्धियां च भी आउंदे ने, भटकदियां होईयां ये रूहां देवते। तुसीं आखोगे मैं कहिंदा की पिया, एक बहुत प्रबल सच्चाई है जिसनूं संसार विच उजागर बहुत घट कीता गया, बहुत घट कीता गया है ना। भरिया पै खला कुछ भी नहीं है, कुछ मनुखा दे मंडल ने जमीन, कुछ देव मंडल ने, देवते रहते, फिर कुछ रूहानी मंडल ने मुक्त आत्मा लीन हो चुके परमात्मा च। और वो ज्यों ज्यों सैर करे त्यों भावे, महरम मैल ना को अटकावे, सब महरम ने कोई अटक नहीं, जिथे जान जा सकते जा सकते। इस तरह दियां आत्मावां जो मुक्त नहीं हो सकियां ते देवते ने, देवते तो मुराद ज्ञानी ने, दीवा जलिया होया पवित्र ने, जन्म ले सकन उस तरह की मां मिलेगी ते होएगा। जने हर किसे मां की गोद दे राही वो जगत दे च नहीं आना चाहते, तो उतने दिन तक फिर किथे रहन, ये फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च रहिंदे ने, अपने अपने मजहब संस्कारां दे मुताबिक, अपने अपने धार्मिक केंद्रां दे च रहिंदे ने, सुणदे ने, आनंद लैंदे ने। मन उहनां कोल है, तन है नहीं, भुख प्यास लगदी नहीं, भुख प्यास तन नूं लगदी है, हवा तन नूं चाहीदी, ऑक्सीजन तन नूं चाहीदा है, सूक्ष्म शरीर नूं नहीं। चूंकि तन है नहीं तो तन की कोई भुख प्यास नहीं, तन की कोई लोड़ नहीं।
पर सूक्ष्म शरीर दी लोड़ ते है कथा कीर्तन जप तप जांदे उत्थे ही रहिंदे। एक दूसरे ढांचे भी आउंदे ने, बहुत मलीन, बड़ा कसाई, बड़ा दुष्ट, महान ठग, बड़ा कातल, यही करदा रहा है। इहदे भी शरीर दी मौत हो जाए, अगला जन्म छेती नहीं आउंदा, भटकदा है। इन्हां नूं ही भूत प्रेत कहिंदे ने, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गा च, शराब खानियां च, वैश्यालियां च, होर गलाजत भरियां जगह विच ये रूहां होंदियां। छोटी जी लड़ाई वड्डी लड़ाई दा रूप धारण कर जाए तो समझ लेना है भूत प्रेत है कि नहीं। छोटा जिहा कुकरम वड्डे कुकरम दा रूप धारण कर जाए तो समझ लेना भूतां ने मदद कर दिती है, ये भी मर्ज करते हैं। छोटा जिहा नेक कम जे वड्डे कम विच प्रगट हो गया तो समझ लेना देव रूहां ने कुछ मदद की थी है। दूर क्यों जाओ, कबीर किथे गंगा दे तट ते बैठे 25 साधुआं नूं कह आए, शिवरात्रि दा दिन सी, अज दोपहर नूं भोजन साढ़े घर करना, सवेरे अमृत मिले, कह दिता। उन्हां 25 साधुआं ने 2-4 साधु जिहड़े उन्हां दे कोई होर मित्र सन बाहरों आए उन्हां नूं कहा, गल फैल गई सारे बनारस दे च, पहुंच गए 700-800 साधु। इन्नी भीड़ वेख के कबीर ते निकल गया। 25-30 आदमियों लई अन्न बनाया सी, इतना ही है, होर अचानक लिया सके बना सके इतनी बिसात नहीं सी, इतने को माया नहीं सी, की करे, शर्मसार निकल गया। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे तो संभाल, मैनु नहीं पता, मैं शर्मसार नहीं होना चाहता। शामा पै गई हूं, सोचता जावा घर, पता नहीं उन्हां पंजियां नूं भी मिले है कि नहीं जिन्हां नूं मैं कहा सी। बेइज्जती खूब होई होवेगी, मेरा मजाक अज खूब उड़ाया होना कई ने। जो आया ते घर दे बाहर पतलां दा ढेर, इंज लग्या जिवें बहुत सारे भोजन छक गए। होर नेड़े आए ते दो सज्जन लंघदे हुए कहिंदे ने, धन कबीर ऐसा लंगर, सारियां नूं दक्षिणा भी दित्तियां, धोतियां भी दित्तियां, दो दो मोरां सोने दियां भी दित्तियां, धन कबीर धन कबीर। कहिंदे निकल गए, घर पहुंचे, प्रसन्न चित मां मिली, प्रसन्न चित लोई मिली पत्नी, ऐ सब कुछ देख के जो कबीर ने कहा, ना हम कर किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, मेरी तौफीक नहीं है, मैं नहीं कर सकता। श्लोक है, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किच हर किया भयो कबीर कबीर। पता नहीं रब ने की कर छड़े, कई जाने ने धन कबीर धन कबीर धन कबीर, अपनी ते बिसात नहीं सी। एक दफा नेक इरादा बना लई है, बहुत नेक रूहां मदद करन नो तैयार ने, एक दफा भैड़ा इरादा बना लई है, बहुत सारे भूत प्रेत नाल लगन नो तैयार ने। ते अक्सर भूत प्रेतां दा वासा किथे हुंदा है वी कबीर कोल सुन लो, जै घर साधना सेविए हर की सेवा नाए, ते घर मरहट सार के भूत बसे ते नमाए। भगत कबीर, खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, ये मुक्त लोग जो पूर्ण मुक्त ने, ब्रह्म विच लीन हो चुके ने, ते फिर जगत विच आ जाते ने, अवतार कहलांदे ने, गुरु कहलांदे ने, पैगंबर करांदे ने, मनुखता दे पहली श्रेणी इन्हां दी है। इह कदी कदाई हजारां साल बाद ही आउंदे ने, इस वास्ते इकबाल ने अपने अनुभव दे आधार ते कह दिता, हजारों साल नरगिस
अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मनुखता दे बगीचे च कदी कदाई इस तरह का फुल आउंदा जिदे नाल मनुखता मुअत्तर हो जाए ते दुनिया दंग रह जाए। इस तरह दी आत्मावां दा आवना रोज रोज नहीं आउंदा, कीड़े मकोड़े रोज जन्म लैंदे ने गुस्ताखी माफ। इस तरह दे फुलां दा जन्म कदी कदाई, ये अवतार कहलांदे ने, ये वासना वस हो के जन्म नहीं लेंदे। फिर किवें जन्म आउंदा इन्हां दा? हंकार वस हो के जन्म नहीं लेंदे, हंकार ते इन्हां दा मर गया, वासना ते इन्हां दी मर गई, लोभ ते इन्हां दा मर गया, शरीर दे होंदे आए सब कुछ मर गया सी ते जीवन मुक्त सन, फिर मुक्त हो गए शरीर दे अंत नाल, लीन हो गए पार ब्रह्म दे। फिर ये किस तरह आ गए, क्यों जन्म होया? ये दया वस हो के आ जाने, तरस खा जाते हैं, जगत नू जलदा देख के, दुखद देख के, अज्ञानता दी ठोकरां खांदियां देख के तरस खा के फिर आ जाते हैं। तन दी अपनी उम्र आउंदी जिहड़ा मिलदा है उन्हां नू, पर नहीं ज्यादा दिन तक कुछ वंडीए। गुरु नानक नू दस तना दा, दस शरीरां दा इस्तेमाल करना पे। संत बनाना है, उसे संत नू सिपाही बनाना है, बड़ा लंबा कम पूरा करिए। मनुख नू पूरन पुरख बनाना है, पूरा करिए। ये ढाई पौने 300 साल दी अवधि, खैर मुख्तसर में अर्ज करांगे। दूजी श्रेणी मनुखां दी, जप जप के, साधना कर करके, अमृत वेले उठ के, सवेरे शाम सत्संग करके, हर वक्त मन नू प्रभु पासे ला के, इसे जीवन विच मुक्ति पा ली है। इन्हां नू कहिंदे ने भगत संत। अवतार उन्हां नू कहिंदे ने मुक्त ते हो गए सन, फिर आ गए। उम्मीद ए गल पकड़ दे चाहिए होवेगी, साधना कर करके, जप तप कर करके मुक्त हो गए ने, पहुंचे ये भी उत्थे ही ने जिथे अवतार ने। पर ये दोबारा आणगे के नहीं आणगे, इन्हां दी सोचनी ते मुनसर होवेगा। अजे भगत ने, संत ने, परम आनंद देच ने। गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु बाणी दे नाल नाल भगत बाणी, भगत जो भगवान तक पहुंच गए, प्रभु तक पहुंच गए, ये मुकुत ने, भगत ने, संत ने। सुरनर तिनकी बाणी गावे, कोई न सके मिटाई। जद कोई भगवान तक पहुंच जांदा है ते उहदे अंदरों भगवान दा गीत संगीत निकलदा है, भागवत गीता निकलदी है। हर भगत दे बोल भागवत गीता ने, ये भी मर्ज करदे हैं, गीत ने। नानक भौजल पार परे जो गावे प्रभ के गीत, केड़े गीत? जो भगतां दे गीत ने, अमर गीत ने। अगर वो कोई गावे मुक्त हो सकता है, क्योंकि मुक्त पुरुषां दे बोल ने, उन्हां दे बोल ने। इह जिहड़े मुक्त पुरुष आउंदे ने, भगत लोग आउंदे ने, इन्हां नूं फिर विद्वाना ने दो हिस्सियां च वंडिया है। एक ओ जो रोजमर्रा जगत नू संदेश उपदेश देंदे रहे, और उन्हां दे अंदरों गीत संगीत जन्म लैंदा रहे, भावें चौक दे च बैठ के जुतियां ही गणदे ने रविदास, भागवत गीता ते उन्हां दे अंदरों भी जन्म लैंदी है। भावें खड्डी ते बैठ के सारा दिन कपड़ा बुणदे ने कबीर, लेकिन भागवत गीता ते उन्हां दे अंदरों भी जन्म लैंदी है। भावें सारा दिन कपड़िया नू रंगदे ने, छिमदे ने, नामदे, भागवत गीता ते उन्हां दे अंदरों भी जन्म लैंदी। इन्हां दे गीतां दे च भगवान आउंदा, इन्हां दे बोलां दे च भगवान आउंदा। कुछ ऐसी श्रेणी भगतां दी जिन्हां कोल शैली शब्दावली अक्षरी ज्ञान नहीं आउंदा, प्रभु दा ज्ञान आउंदा,
वो फिर नहीं बोले, नहीं बोलते, चुप रहते हैं। उन्हां दी खामोशी भी कुछ ना कुछ वंडदी रहती है, जैसे खिड़े होया फुल उदी खामोशी भी महक वंडदी रहती, सुगंध वंडदी रहती। चूंकि इस तरह के पुरुष बोलते नहीं, कुछ लिखते नहीं, कहते नहीं, तो समाज के जमीन के उत्ते उहदे कदमां दे निशान नहीं बनते। यह भी मैं अर्ज करते ये भगत दूजी श्रेणी। एक तीजी श्रेणी मैं हुणे ही अर्ज की है, धार्मिक विद्वान पुरुषां ने मनुखां नूं पंज हिस्सिआं च वंडिआ है, ते हुण गिणती तुसीं अपनी कर लेना, इन्हां पंजां दे च असीं किहड़ी श्रेणी च आंदे हां। तीजी श्रेणी परमात्मा ते श्रद्धा भी है ते शक भी है, मन मनदा भी है मन इनकारी भी है। मन ओही कुछ मनदा जो मन दे अनुकूल है, मन उसनू इनकार करदा जो मन दे अनुकूल नहीं। श्रद्धा भी है शक भी है। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, कोई एक कदम अगे चले, एक कदम पिछे चले, एक कदम अगे चले, एक कदम पिछे, सारा दिन इस तरह चले तो कितने पहुंचेगा, किधरे पहुंचेगा। मेरिया नाखा ने देखिया 40-40 साल तो जड़े गुरुद्वारे आ रहे हैं, 40 साल पहले भी क्रोधी सन, अज भी क्रोधी ने। 40 साल पहले भी प्रबल लोभ नाल भरे हुए सन, अज भी लोभ नाल भरे। 40 साल पहले भी हंकारी सन, अज भी हंकारी। 40 साल पहले भी भिकारी सन, अज भी भिकारी ने। कुछ भी चले भी बहुत ने, थके भी बहुत ने, टूटे भी बहुत ने, पहुंचे क्यों नहीं। एक कदम अगे एक कदम पिछे, एक कदम अगे एक कदम पिछे। दान पुन भी कर लिया, पाप भी कर लिया, ईमान भी प्रगट किया, बेईमानी भी कर ली, सच भी बोल लिया, झूठ भी बोल लिया, हाथ च गुटका रख के पाठ भी कर लिया, गंदे गीत भी अलाप लिया। श्रद्धा भी है शक भी है, एक कदम अगे एक कदम पिछे। ये तादाद सब तो ज्यादा है, सब तो ज्यादा है। तो इस तादाद दे चा कुछ लोग धार्मिक किरत अपना लेंदे ने, कथा कीर्तन, मौलवी बन गया कोई, फादर बन गया कोई, गुणी ज्ञानी बन गया कोई, पंडित महाराज बन गया। हुण परमात्मा तुहानू जाणिआ ते है नहीं, जाणिआ ते कख नहीं, जाणन दी कोशिश पै करदे, समझिआ ते कुछ भी नहीं, समझाण दी कोशिश पै करदे, खुद नहीं समझिआ। अपना ही मन जिस गल नूं नहीं मनदा पिया, उही जगत नूं मनाणा चाहुंदे ने। गुरु नानक कहिंदे ने खेड नहीं बनेगी, प्रथमे मन पर बोधे अपना पाछे अवर ले जावे। ये खेड इंज नहीं बनेगी। ये तीजी श्रेणी है, श्रद्धा भी है शक भी है, शक भी है श्रद्धा भी है। इस वास्ते दान पुन भी है, बेईमानी भी है, सेवा भी है, कठोरता भी है, बाणी का जपतप भी है, झूठ बोलना भी है, अनर्थ भी है, श्रद्धा भी है शक भी है। ये तीजी श्रेणी है। चौथी श्रेणी श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, ही नहीं। ऐलानिया कहते हैं कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं। साडा की गुरुद्वारे नाल मतलब, अजोके नौजवान कई मिलते हैं, मैं तो सुन के हैरान होना, मन अपना चंगा होना चाहिए, की लोड़ है गुरुद्वारे जाने की। जिवें मन का चंगा होना बच्चों का खेल है, खिडौणियां दी खेड है। दिन रात साधन करने वाले विचारे अपने मन को शुद्ध नहीं कर पाते। मन चंगा होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। इस तो गल स्पष्ट हो गई, अजे इन्हों विचारियों मन का नहीं पता, सिर्फ तन का ही पता।
अजे सिर्फ तन की भज दौड़ है, अजे सिर्फ तन दियां लोड़ां दी चिंता है, अजे इन्हां नूं मन दा कुछ भी नहीं पता जो इस तरह कह रहे हैं। जद कदी मन नूं देखणगे ते पता चलेगा असलियां समस्यावां ते मन दे च ने, चिंता ते मन दे च, भय ते मन दे च, विरोध ते मन दे च, प्रबल वासना ते मन दे च, प्रबल अहंकार ते मन दे च। ये मन मनुख कोल बड़े अनर्थ कराएगा, बहुत अनर्थ कराएगा। नास्तिक साड़ी कोई आस्था नहीं, साड़ा कोई भरोसा नहीं। अजोकी नौजवान पीढ़ी ते यही बहुत ज्यादा सवार है, यह भी मर्ज करा। और कम्युनिस्ट कहते ने, पता है की आखदे ने, भोजन की लोड़ है, भजन की लोड़ नहीं है, धन की लोड़ है, धर्म की लोड़ नहीं है, पानी चाहिए स्वच्छ, गुरबाणी नू की करना है, कम्युनिस्ट ऐलानिया कहते हैं। और दलील देंदे ने, चार दिन पानी ना मिलिया पंजवें दिन मौत हो जाएगी। सारी जिंदगी भी मैं गुरबाणी ना पढ़ा तो की होना है, की घटता है, कुछ भी नहीं घटता, इंज कहते हैं। जेब दे च धन नहीं है तो जमीन ते चार कदम चलना औखा है, हिरदे दे च धर्म नहीं है सारी दुनिया भ्रमण करके आ जाओ, इंज कहते हैं। पेट दे च भोजन नहीं है, जीवना बड़ा औखा है, काम करना बड़ा औखा है, जबान ने भजन नहीं किया की घट गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लमकावा ना समा हो गया, मैं अर्ज करा, भोजन ना मिलिया तन मरेगा, भजन ना किया जमीर मरेगी, इंसानियत मरेगी, मनुखता मरेगी। ये जीवेगा ते सही जीवदा ते रहेगा, पशुओं की तरह जीवेगा। करतूत पशु की मानस जा, लोक पचारा करे दिन रात। पानी ना मिलिया तन मरेगा, वाह कई मरेगा। गुरबाणी का जाप ना किया मनुखता मर जाएगी, आखां जीवां बिसरे मर, मनुखता मर जाती, इंसानियत मर जाती है, आनंद मर जाता है, रस मर जाता है, ज्ञान मर जाता है, निर्वैरता मर जाती है, दया मर जाती है, अंदर कठोरता रह जाती है। हो ही नहीं सकता ईश्वर नूं भुला के कोई कोमल हो जाए, ईश्वर नूं भुला के कोई ईमानदार हो जाए, ईश्वर नूं भुला के कोई परोपकारी हो जाए, ईश्वर नूं भुला के कोई सुखी हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सारे दुख उसनों चंबणगे, परमेश्वर ते उन्या व्यापन सबेर। एक चौथी श्रेणी, लोड़ ही नहीं है, नास्तिक साड़ी कोई आस्था नहीं है। एक पंजवी श्रेणी, इतनी बेखबर, ईश्वर ऐसा कोई विषय ही नहीं है, इसते शक कीता जाए या श्रद्धा कीती जाए, इदे बारे सोचिया जाए, इते कोई ऐसा विषय ही नहीं। ये पंजवी श्रेणी, जिन्होंने भूल के कदी इस संबंध सोचिया भी नहीं, कदी ख्याल भी नहीं आया, ये पंज श्रेणियां हैं। तो खुद ब मुनसफ शुद्ध, अपना मुनसफ आप बनना है, अपनी जजमेंट आप करनी है, असी किस श्रेणी चाहते हैं, असी कहरी क्लास दे विद्यार्थी, किस क्लास ने, चूंकि फैसला हर मनुख ने आप करना है। दूजा की जाने, थानू की पता मेरा मन दिच की चलता रहिंदा, मैनू की पता थोड़े मन दिच की चलता रहिंदा। तो खुद ब मुनसफ शब्द, अपना मुनसफ आप बन, अपना फैसला आप कर, साहब रहमत करन। असी इस दूजी श्रेणी च आईए, धन गुरु नानक देव जी महाराज के बोलों अपना के, धन गुरु हर राय साहब जी महाराज के प्रकाश उत्सव को मना के, जिस तरह भाई गौंदे ते बख्शिशा हुई, ए गुरु हर राय साहब अज साड़िया भी झोलियां भरना तेरे दर तो खाली ना जाए, श्रद्धा नाल भर जाए साड़ी झोली, रब्बी विश्वास नाल भर जाए साड़ी झोली, जो शक शुभे अंदर ने, हे धन गुरु हर राय साहब इसनों कढ़ो, ऐसा भरोसा पैदा करो कि एकदम ख्याल आ जाए सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई।
बाकी विचारा मैं थोड़े सामने अज शाम नूं रखांगा। ये फैसला तुसी आप कर लेना जिस श्रेणी च हो। जिन्ने चिर तक इस दूजी श्रेणी च नहीं आए मुक्ति नहीं है, आनंद नहीं है, भगत नहीं बने, उन्ने चिर तक खेड नहीं बनेगी। पंडित सूर छतरपत राजा भगत बराबर और ना कोई। भगत मुकत हो जाता है, एक दिन तन का अंत हो जाता है, फिर इसकी मर्जी आती है मैं फिर जन्म लेना है कि नहीं, क्योंकि मुकत है। तो जो मुकत है दी मर्जी नहीं, वासना इसनों जन्म देवेगी और ये भटकेगा, हंकार इसनों बार बार जन्म देवेगा। हमें यही बंधना फिर फिर जोनी पाए, मुड़ मुड़ जोनिया भटकता रहेगा। साहेब रहमत करन, बख्शिश करन, प्रभ की आ गया आत्म हितावे, जीवन मुकत सौ कहावे। असी जीवन मुकत बन के जीवन का लाहा खट सकीए, जीवन नु आनंदित बना सकीए, संसार दे आन दा मनोरथ जो है वो प्राप्त कर सकीए। इतनी सेवा प्रवान, सारिआं दा बार बार धन्यवाद। बोल चुक दी शमा, वाहिगुरु, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Yeah, I know.